नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सोनभद्र दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी पाया। सोनभद्र नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी पाया, जिन्हें कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2014 में प्रधानपति रहते हुए रामदुलारी गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। दुद्धी विधायक के खिलाफ पास्को और रेप के मामले में 2014 से मुकदमा चल रहा है। मामले में कोर्ट 15 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। वहीं पीड़िता के भाई ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है। पीड़ित के भाई ने कहा केस वापस लेने का दबाव बहुत आया था। आरोपी की तरफ से अपने लोगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर करते हुए पीड़ित के भाई ने कहा कि आरोपी को कम से कम आरोपी की 20 साल की सजा होनी चाहिए। वहीं पीड़ित के वकील विकास शाक्य ने कहा नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में विधायक के खिलाफ मुकदमा चला। उस मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश जो स्पेशल MPMLA कोर्ट देखते हैं, उनके द्वारा दोष सिद्ध किया गया। उनको न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया है और जेल भेजा जाएगा। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय 15 तारीख को फैसला सुनाएगी। कम से कम सजा 10 साल या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने विधायक को दोषी पाया है। आइए जानते हैं विकास शाक्य वकील पीड़ित पक्ष ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। दबाव बहुत आया लेकिन लगातार उस दबाव हाँ दबाव बहुत आया लेकिन बहुत हम हिम्मत करके लड़े। हाँ, किस तरह से आप पे दबाव दिया गया, धमकी दी गई या कैसे? धमकी दे रहा था कौन? वही राम जो रामदुलारे है विधायक। तो आज जो फैसला आया है इससे आप संतुष्ट है? मतलब खुशी है? संतुष्टि है। अभी फैसले की मतलब पूरी सुनाई नहीं गई, कितना साल का है? नहीं, क्या, क्या क्या मांग करना चाहेंगे कि कितनी सजा होनी चाहिए? कम से कम 20 साल से कम नहीं। बहुत परेशान किया है। जी, तो ऐसे जो मजबूत लोग हैं जो शासन सत्ता में बैठे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी जीत मिली है आपको। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4/11/2014 को एक नाबालिग बच्ची के साथ उनके द्वारा बलात्कार किए जाने के संबंध में मुकदमा चला। उस मुकदमे में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने, जो स्पेशल MPMLA कोर्ट देखते हैं, उनके द्वारा आज दोष सिद्ध किया गया। और जो अभियुक्त हैं रामदुलार गोंड, वह दुद्धी से भाजपा के विधायक हैं। उनको न्यायालय ने अपने अभिरक्षा में ले लिया। आज वो जेल जाएंगे। न्यायालय 15 तारीख को फैसला सुनाएगी, जिसमें उनको सजा की मात्रा कितनी होगी यह 15 तारीख को तय होगा। आज ये जेल जाएंगे? सीधे यहाँ से जेल जाएंगे? न्यायालय कस्टडी में ले लिए, आज वो जेल जाएंगे। इसके बाद मतलब जो उनको पूरी जो सजा होगी कितने दिन की होगी? 15 तारीख को बताया जाएगा। कम से कम सजा 10 साल या फिर आजीवन कारावास, इसमें सजा के जो प्रावधान। जो दुष्कर्म का उनका मामला चल रहा था, इसमें न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया है? दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया है और दोष सिद्ध कर दिया गया। केवल सजा के बिंदु पर 15 तारीख को सुनाया जाएगा कि कितने सालों की सजा दी जाएगी।